हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8000 में सबसे अच्छा स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें आपको कैमरा एकदम मस्त देखने को मिलेगा, बैटरी बैकअप आपका 1 से 1.5 दिन तक दे देगा। मतलब 8000 में जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और दो ही स्मार्टफोन बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो स्मार्टफोन आप तो मेरे कहने पर ले लोगे लेकिन आपको 6 महीना 7 महीना बाद बहुत दिक्कत होने लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो दो ही स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सा स्मार्टफोन है 8000 में सबसे बेस्ट। तो जो सबसे बेस्ट है वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगा। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम मिल जाता है, 64GB रोम, यूनिसॉक्स T610 का प्रोसेसर, जिसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं हल्का फुल्का, और डेली यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। 13MP का आपको रियर कैमरा मिल जाता है, 8MP का फ्रंट कैमरा, 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले, और इसमें आपको पंच होल में कैमरा देखने को मिल जाता है, ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो देखने में और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो वगैरह आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा इसमें बहुत। और 6000 mAh का इसमें आपको बैटरी मिल जाता है, और 10W का चार्जर, और मोबाइल देखने में बहुत अच्छा है, और यूज भी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम उतना देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्राइस है 8499, 500 रुपये इसका बढ़ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन बताने वाला हूँ वो इससे भी बेटर है, और वो आपको सिर्फ 8000 में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन्फिनिक्स के दीवाने हैं तो इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो बताने से पहले यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो नंबर 1 पे आता है मोटरोला की तरफ से मोटरोला E40। इस स्मार्टफोन में भी आपको 4GB रैम मिल जाता है, 64GB रोम, यूनिसॉक्स T700 का आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये नया प्रोसेसर है, मतलब डेली यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और मोटरोला का तो आप लोगों को पता ही होगा, मोटरोला स्टॉक एंड्रॉयड होता है, मतलब आपको इसमें कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। और इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर नया है, तो इसमें आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं हल्का फुल्का, और इसमें आपको पीछे के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48MP+2MP+2MP, और 8MP का फ्रंट कैमरा, और पंच होल में जैसा इन्फिनिक्स में था इसी तरह इसमें भी 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले, और 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी, 10W का चार्जर। और एक बात मैं आप लोगों को बताने भूल गया, दोनों स्मार्टफोन में ही आपको पीछे के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इन्फिनिक्स में भी और मोटरोला E7 में भी। इसमें और एक खासियत है, इसमें आपको IP52 का वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा पानी का छीटा वगैरह पड़ेगा तो स्मार्टफोन कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही थे 8000 में दो सबसे अच्छे स्मार्टफोन जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।